अच्छा ईशा, कहाँ जा रहे हो? बिल देना है तुमने, है? बिल देना है। अंजला, बिल तुमने देना है, है? All right, guys. So where are we going? Don't know. Is it a surprise? Yes. It's pretty sunny outside. Whose house is it? Imran Khan. Huh? Imran Khan. Prime Minister. This is his house. Okay, this is Imran Khan's house, residence. You can see. So me and boys, we have a day off today, Sunday, so I thought I should take him somewhere, you know, where we can sit down and eat and chat about different things and see what they come up with. So are you guys ready? Yes. Look at these trees. So beautiful. Look at the roads. They are so clean. I love it. This is the capital city, Islamabad. I love this greenery. It's so beautiful, you know, look at the trees. This is a sign of life, basically. And chopping down these trees to make societies is just utter nonsense. Destroying the nature, that's not gonna help. कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो यार. नहीं, धूप थी अभी, शेड में आ गए हम. देखो, is this F6 or G6? F6. So we got some shops here. There's a Baskin and Robbins, man. This is the place where we came the other night. Yeah. Look, Nando's. Do you want to eat from Nando's? Huh? Yeah. Let's go to Nando's then. It's from Portugal. My friend is from Portugal. And Nando's is also from Portugal. So we are here in Nando's, we are going towards Nando's, yeah? And we have got this. Check it out. I think I'll eat chicken. 1900. Okay guys, do you want what? Full chicken? Yeah. Yeah? Yes. Angela, what do you want? One full chicken. Yeah? So, इनको मेरे ख्याल में चिकन दिया जाए, ठीक है? कोक वगैरह नहीं है? Which one? This. हमाद भाई, क्या ले आपने? ताज़ा कर रहे हैं. एक फुल चिकन कर ले और ड्रिंक्स. इसका फ्लेवर? माइल्ड रखें उन्हें खाना बच्चों में. ड्रिंक्स भी क्या? कौन सी? Which ones? Pepsi or Sprite ही है बस. It's refill. You can drink as much as you can. Coke and Sprite. ठीक है. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Thank you, JazakAllah. Nando's sir, मेरी बड़ी history है. When I was in London, I used to eat a lot of Nando's because my friend was from Portugal. So this is a Portuguese company. वहाँ से मैं काफी Nando's खाता रहूँ मैं. तो इस्लामाबाद में मैंने देखा इसको, तो मैंने कहा कि we should try it here as well. इसका taste बिल्कुल वही है जो London में था. कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. So I quite like it. अच्छा यूशा, कोई स्टोरी सुनाओ यार, कुछ तुमने पढ़ी हो. तो आज मैंने हजरत अवैस के बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी. अवैस करनी रहमतुल्लाह, हजरत अवैस जो ताबई वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की. अच्छा. क्योंकि वो अपनी बूढ़ी अम्मी का ख्याल रखते थे. तो एक दिन उन्होंने अपनी अम्मी से पूछा कि ए अम्मी, क्या मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा सकता हूँ? तो उनकी अम्मी ने कहा एक शर्त में, बस तुम जल्दी वापस आ जाना. हज़रत गए मदीना में, लेकिन जब वो मदीना में पहुँचे तो उनको ख़बर आई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिहाद के लिए निकल गए हैं. उनने तो अपनी अम्मी से वादा किया हुआ था कि वो जल्दी घर आएंगे, तो फिर वो वापस चले गए. जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस आए तो उनको उनके साहबी ने पैगाम दिया कि इधर एक आदमी आया था हज़रत अवैस करनी, वो करण से आए थे आपसे मिलने, लेकिन आप तो गए हुए थे. तो वो जल्दी चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी अम्मी से वादा किया हुआ था कि वो जल्दी आएंगे. अच्छा. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इतनी पसंद आई
कि उन्होंने जो अपना कुर्ता था वो उन्होंने हज़रत उमर और हज़रत अली को दिया रज़ी अल्लाह अन्हु कि जब भी तुम उधर जाओ तो उसे दे आना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ा पा गए तो उनके बाद फिर उन्होंने जाके उसको दिया और दुआ भी करवाई और दुआ उम्मत के लिए दुआ और उम्मत के लिए दुआ भी करवाई। इसका क्या मोरल है? हम लोग अपनी बातों में पक्का रहे, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए ना। देखो वैस करनी रहमतुल्लाह जो थे, जी जी आगे तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनसे जो प्रोमिसज करते हैं उन प्रोमिसज को पूरा करें। और देखें हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह बहुत आराम से सहाबी बन सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वो सहाबी नहीं बन सके, ताबई रहे, क्योंकि सहाबी वो होता है जो हुजूर से ईमान की हालत में मिले और ईमान की हालत में ही फौत हो, वो सहाबी हो। लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी थी मिलने की लेकिन नहीं मिले, क्योंकि उनकी वालदा बहुत बूढ़ी थी और जब तक वो वालदा फौत हो गई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से मिल ही नहीं सके। दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाउ आर यू गाइस लाइकिंग दिस प्लेस? इट्स अमेजिंग। मजा आ रहा है? अच्छा, राइट हैंड से खाना भी ये बड़ा मसला है। छुरी कांट से तुम खाओगे तो लेफ्ट हैंड से तुम्हें लेना पड़ेगा, फिर इसको यहां लाऊंगा। हां, उसको राइट पे रख लो, उसको लेफ्ट पे, लेकिन फिर काटना बड़ा मसला हो जाएगा। खाना तो राइट से ही है, आप काट लो। हाँ, इस तरह कर लो, राइट से लेफ्ट से काट लो, राइट से मुंह के अंदर डालो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। या हाथ से खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ गंदे हो जाए बेशक कोई मसला नहीं, उंगलियों पे अगर लग जाए तो उंगलियां चाट लो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट पीपल। आई लाइक इट। हाथ से खाओ, राइट हैंड, शाबाश। गार्लिक के साथ खाओ, देखो इस तरह उंगलियों से, और हाथ पे लग गया। हाँ हाँ, उंगलियों से खा के दिखाओ, चाट के दिखाओ। ओए ओए, तो शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी किसी ने? बिस्मिल्लाह पढ़ी है वही, जल्दी पढ़ो, बिस्मिल्लाह अव्वलुहू, बिस्मिल्लाह अव्वलुहू आखिरुहू। देखो अभी तक शैतान तुम्हारे साथ खा रहा था, हदीस में आता है ना कि अगर आप खाना खाएं बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो कौन आता है? शैतान आपके साथ खाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ना बरकत भी आती है। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था बिस्मिल्लाह के बारे में। देखिए, खाना खाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ना बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो उससे क्या होता है कि खाने की जो नरिशमेंट होती है उसका हो सकता है कि 20% आपको मिल जाए, 30% अनलॉक हो जाए, लेकिन जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो उसमें स्पेशल बरकत आ जाती हैं और वो जो खाना में जो 100% बरकत होती हैं वो सारी की सारी अनलॉक हो जाती हैं। और जब वो अनलॉक हो जाती हैं तो वो खाने के ज़रिए हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, वो बिस्मिल्लाह जब हमने पढ़ा है खाने के ऊपर। तो जब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो जारी बात है उसकी जो नरिशमेंट का शायद 20% आपको मिल जाएगा, जो अल्लाह ताला ने हरक को दिया हुआ, गफूर रहीम है ना अल्लाह ताला, लेकिन तुम्हें वो बरकत नहीं मिलने वाली। जब तुम उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हें वो बरकत मिलेंगी और वो 100% उस खाने के अंदर जो नरिशमेंट और जो बरकत है वो अनलॉक हो जाएंगी। और वो जब आपके ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा तो आप खुद सोचें, आपके अंदर हलचल नहीं मचा देगा, आपका जी चाहेगा नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, आप अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करेंगे, बदनजरी नहीं करेंगे, कानों का सही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस की वजह से जो है ना इंसान के अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए आप खाना खाएं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, राइट हैंड से खाएं आप, ठीक है ना, हमेशा राइट हैंड से खाएं। आप नैंडोज़ में बैठे हुए हैं, आप छुरी चम्मच से खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको देख रहे हैं तो आप कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया आपको और आप लेफ्ट से ही जो है ना काट के खाई जा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राइट से खाओ, क्योंकि ये जो ये छुरी चम्मच कांटे जो होते हैं 50,000 लोगों के मुंह से निकल के आए होते हैं, ये उंगलियां आपकी अपनी हैं, तो आप जब खाएं उस में खाओ उसके बाद उंगलियों को चाटो, सुन्नत तरीका है। जब आप उसको चाटेंगे उसमें भी बरकत आ जाएगी, उसके अंदर भी बरकत आ जाएगी, तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर आप खाते खाते भूल जाओ तो नबी करीम फरमाते हैं कि शैतान भी खाना शुरू कर देता है, तो फिर अगर याद आ जाए तो आपने कहना है बिस्मिल्लाह ही अव्वलु व आखिरु, जो बरकत थी वापस उसकी वजह से खींच के आपके अंदर आ जाए। तो ये जो है ना लेसन आज हमने लर्न किया, ठीक है। Aftermath of the chicken. कितना रह गया? आपका कितना रह गया? बहुत ज़्यादा। खाओ, आराम से खाओ। अच्छा ईशा, कहाँ जा रहे हो? बिल देना है तुमने, हैं?
बिल देना है। अंजला बिल तुमने देना है। ये कोई चीज हो रही है, इसे कोई बर्थडे मना रहा है। जी जी अच्छा बस चलते हैं। यहाँ नीचे जाते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह। उनको जज़ाकअल्लाह बोलो, उन्होंने आपके लिए म्यूज़िक बंद किया है। जज़ाकअल्लाह बोलो। ठीक है सलाम। अभी आप किधर जा रहे हैं? ठीक है। क्या खा रहे हो यार? मुझे भी दे दो थोड़ा सा। तुम्हें किसने कहा था ये खाओ? तुम्हें किसने कहा था इधर आके चॉकलेट खाओ? तुम्हारा कैसा है? सॉल्टेड कैरेमल है मेरा। सॉल्टेड कैरेमल। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं और हमें मिल रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम कोई स्पेशल लोग हैं। आप हमेशा अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको खिलाया पिलाया। मैं खिलाने पिलाने में आप मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, और उन लोगों के लिए भी आपने दुआ करनी है जिनको नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला उनको भी खिलाए पिलाए। और आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जो पैसे हैं सदका खैरात करें और लोगों को और फ्रेंड्स को साथ शेयर करें, और वो लोग जिनको नहीं मिलता है आप उनको भी खिलाए पिलाए। ठीक है ना? वंस अगेन वी आर नॉट स्पेशल, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है जिन्होंने हमें खिलाया। ठीक है जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि हमें अल्लाह ताला ने खिलाया पिलाया। ठीक है ना? मेरे और आपने कोई स्पेशल बात नहीं है कि हमें हमने ये खा लिया, ये अल्लाह ताला ने खिलाया। ठीक है, आपने ये चीज़ें यहाँ पर क्यों छोड़ी? ये कौन उठाएगा? सिखाओ इन चीज़ों को कहाँ डालना होता है? हैं तो बिन में डालो ना। इधर किसके लिए रखा है आपने? आपने कोई नौकर तो नहीं बैठे यहाँ? बिन में डाल दिया। Yes. You didn't enjoy it.